खबर सिद्धार्थ नगर से। जनसंख्या दिवस पखवाड़ा 11 से 24 जुलाई तक मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम सीएमओ कार्यालय के परिसर में किया गया। विकसित भारत की नई पहचान परिवार नियोजन हर दंपत्ति की शान है के तहत मोबियस फाउंडेशन की आकार परियोजना का शुभारंभ सीएमओ सिद्धार्थ नगर द्वारा कम्युनिटी आउटरीच वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया। मोबियस फाउंडेशन के श्रवण कुमार ने बताया कि आकार परियोजना वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में चलाई जा रही है। जिले में मोबियस फाउंडेशन के सहयोगी संस्था जननी द्वारा इस परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें टीम के द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर नसबंदी की सुविधा दी जा रही है। जननी के डायरेक्टर क्लिनिकल सर्विसेज डॉक्टर राम कुमार पारकर ने बताया कि जननी कॉट टीम के द्वारा ब्लॉक स्तर पर फिक्स डे सेवाओं के माध्यम से परिवार नियोजन की स्थायी एवं अस्थायी सेवाओं को उपलब्ध कराएगी। आज 11 जुलाई को टीम के सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपने द्वारा किए जा रहे सभी प्रकार के परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी उन्होंने प्रदान की। टीम द्वारा ब्लॉक स्तर पर परिवार नियोजन के कैंप के माध्यम से पुरुष नसबंदी एवं महिला नसबंदी की सेवाएं भी निशुल्क रूप से प्रदान की जाएंगी। जननी पिछले 28 साल से परिवार नियोजन के क्षेत्र में काम कर रही है। ज्यादा ना बोलते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि आज वो दिन की शुरुआत हो गई है जहां से यानी कि हम लोग जनसंख्या स्थिरता दिवस मानते हैं। इस दिवस का जो मेन मकसद है कि हम लोग अपनी ओर से या सरकार या प्रोवाइड कर रही है, मतलब कंट्रासेप्शन प्रोवाइड कर रही है, तक उतना जागरूक नहीं किया जा सकता, जागरूक नहीं किया जा रहा है, जागरूक नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते कि ये मोदी संस्था और जननी संस्था द्वारा एक शानदार काम किया गया। इन्होंने ये जिला उठाया और ये गांव-गांव में जाकर प्रचार प्रसार करेगी और आशा करते हैं इससे हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन ये जो परिवार नियोजन का काम कर रही है काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। काफ़ी सर, इससे जनता को कितनी जागरूकता मिलेगी? काफ़ी जागरूकता मिलेगी अगर ये लोग गांव-गांव घूमेंगे, लगातार इनके प्रचार प्रसार होगा तो इससे काफ़ी मिलेगी।